टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 15 सालों से टीवी की दुनिया में राज कर रहा है। इस शो में अब तक 3 बार जनरेशन लीप आ गए हैं और चौथी पीढ़ी की कहानी सीरियल में दिखाई जा रही है। अक्षरा की बेटी अभीरा और अरमान की कहानी फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, जिस वजह से सीरियल की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। इन दिनों शो सीधा 4th नंबर पर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मेकर्स अपनी कुछ गलतियों की वजह से शो की टीआरपी और ज्यादा बिगाड़ने वाले हैं। आइए आपको मेकर्स की 7 गलतियों के बारे में बताते हैं। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ समय पहले ही 20 साल की एक लंबा लीप आया, जिससे शो की कहानी और कास्ट पूरी तरह से बदल गई। प्रणाली राठौर और हर्ष चोपड़ा की जगह शो में समृद्धि शुक्ला, शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को दी गई। फैंस को तीनों कलाकार कुछ खास पसंद नहीं आए। इन सीरियल में लीप के बाद पुराना घिसा पिटा लव ट्रायंगल दिखाया गया। शो में अरमान की जिंदगी में 2 लड़कियां हैं और वो किसी एक के साथ नहीं आगे बढ़ पा रहा। अक्षरा, आरोही और अभिमन्यु की तरह अभी भी 2 बहनों के बीच एक लड़का दिखाया गया। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की लीड रोल में समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी फैंस को नजर आए। ये दोनों कलाकार फैंस पर अपना जादू ज्यादा नहीं चला पाए। अब शहजादा की जगह शो में रोहित पुरोहित नजर आ रहे हैं। समृद्धि और रोहित की जोड़ी भी फैंस को ठीक ठाक ही लगी। इस सीरियल में लीप के बाद पुदार हाउस को दिखाया गया, जिसमें कई सारे कलाकार हैं। मेकर्स इन शो में कई कलाकारों को सिर्फ दर्शक बनाकर छोड़ दिया और ये चीज दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। कुछ कलाकारों को पूरे पूरे एपिसोड में एक सीन तक नहीं मिलता। इतना ही नहीं, गोयनका परिवार होकर भी शो में कभी कभी ही दिखता है। इस सीरियल की कास्टिंग हाल ही में कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो गई थी। मेकर्स ने रातों रात शो के लीड कलाकारों को बदल दिया। शो में शहजादा धामी की जगह रोहित पुरोहित की एंट्री हुई और प्रतीक्षा होनमुखे को गर्विता साधवानी ने रिप्लेस कर दिया। मेकर्स का यह दाव भी टीआरपी बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाया। इस सीरियल में रूही को एक अच्छी इंसान दिखाया गया है, लेकिन वो अरमान के प्यार में फैंस को इरिटेटिंग लगने लगी है। फैंस को रूही का एक भी सिंगल सीन पसंद नहीं आता, इसी वजह से फैंस रूही को शो में देखना ही नहीं चाहते। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ समय पहले ही अबीर का जिक्र किया गया। दावा किया गया था कि शो में जल्द ही अबीर की एंट्री होगी, जिसका फायदा टीआरपी में भी दिखेगा। हालांकि फैंस इस ट्विस्ट का इंतजार करते करते अब थक चुके हैं।